रहा है, 2024 की शुरुआत होने जा रही है, तो ऐसे में इस साल के खेलों पर भी नजर डाल लेते हैं। दरअसल भारतीय खेलों के लिए 2023 कहीं ना कहीं अच्छा भी रहा है, बुरा भी रहा है। कई अच्छे भी मुकाम आए, कई बुरे भी मुकाम आए। इस दौरान जहां भारत ने मैदान में बड़ी सफलताएं हासिल की, तो वहीं भारतीय कुश्ती जगत में उथल पुथल मच गई। इसने देश में महिला खेलों की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। तो आइए आज आपको 2023 खेल के मैदानों पर भारत के लिए कैसा रहा बताने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत 18 जनवरी 2023 को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन के साथ हुई। पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया ने भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ हुए और इन पहलवानों से तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण चरण सिंह और अन्य कोचों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। जांच जारी रहने तक बृजभूषण चरण सिंह की प्रशासनिक शक्तियां वापस ले ली गई, लेकिन जांच पैनल के निष्कर्ष सामने नहीं आए। इसके बाद पहलवानों ने अप्रैल में अपना आंदोलन एक बार फिर से शुरू किया। तो वहीं चुनाव परिणाम सामने आते ही इसके विरोध में साक्षी मलिक ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी। वहीं बजरंग ने अपना पद्मश्री सम्मान वापस लौटा दिया। इसके बाद खेल मंत्रालय ने WFI की नवनिर्वाचित कमेटी को निलंबित कर दिया। ये मामला अभी भी अनसुलझा है। इस मामले ने भारत में प्रतियोगिताओं के कार्यक्रम और 2024 में ओलंपिक के लिए पहलवानों की तैयारी पर भी गंभीर प्रभाव डाला। लेकिन नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया। साल 2023 में नीरज चोपड़ा ने अपने बायोडेटा से गायब एकमात्र खिताब विश्व चैंपियनशिप में भी जीत हासिल की। बुडापेस्ट में भाला फेंक कर स्वर्ण पदक हासिल करके वो विश्व एथलेटिक्स खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। नीरज ने 88.17 मीटर का भाला फेंक कर पाकिस्तान के अर्शद नदीम को हरा दिया। नदीम को रजत पदक मिला। इसके करीब एक महीने बाद उन्होंने एशियाई खेलों में एक और स्वर्ण पदक जीता। किशोर जेना ने रजत पदक जीता। इससे भारत को पोडियम पर 1-2 से बढ़त मिली। नीरज चोपड़ा अगले साल 2024 में पेरिस में होने वाले ओलंपिक में अपना स्वर्ण पदक बचाने की कोशिश करेंगे। वहीं 2023 में कंपाउंडेंट तीरंदाजी के क्षेत्र में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा रहा। अदिति सूची के शीर्ष पर रही। 17 साल की अदिति किसी भी खेल में भारत की सबसे कम उम्र की विश्व चैंपियन है। उन्होंने 2023 विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में महिलाओं के कंपाउंड तीरंदाजी फाइनल में व्यक्तिगत स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता है और कुछ ही सप्ताह पहले उन्होंने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता था। महाराष्ट्र के इस तीरंदाज ने दोनों टूर्नामेंट में टीम स्वर्ण जीते और एशियाई खेलों में एक और टीम स्वर्ण के साथ शीर्ष पर रही। भारत के नए युवा कंपाउंड तीरंदाजों ओजस देवतले, प्रथमेश जावकर, ज्योति सुरेखा, वेन्नम और प्रियांश ने भी इस टूर्नामेंट में अच्छे पदक हासिल किए। तो इस खेल में भारत का भविष्य उज्जवल दिख रहा है। महिला क्रिकेटर्स की ऐतिहासिक जीत। साल 2023 को भारत की महिला क्रिकेटरों के लिए एक यादगार साल के रूप में याद किया जाएगा। भारतीय टीम ने मुंबई में एक तरफा मैच में 8 विकेट की जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया पर अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीत ली है। टेस्ट क्रिकेट में ये उनकी लगातार दूसरी जीत थी। इससे पहले उन्होंने नवी मुंबई में एक मार्क टेस्ट में इंग्लैंड को विशाल अंतर के साथ हराया था। भारतीय टीम ने चीन के होंगजो में आयोजित एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता। ये क्रिकेट की किसी प्रतियोगिता में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का पहला स्वर्ण पदक था। भारतीय महिला टीम फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित महिला T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में भी पहुंची थी। वर्ल्ड कप के फाइनल में रोहित की टीम भारत की पुरुष क्रिकेट टीम वनडे का विश्व कप जीतने से चूक गई। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में उसे ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा, लेकिन फाइनल तक बिना कोई मैच हारे भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में अपना दबदबा बनाए रखा। भारतीय गेंदबाजों खासकर मोहम्मद शमी ने 24 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया, जबकि विराट कोहली ने अपने बल्ले से पिच पर राज किया। कोहली वनडे क्रिकेट में 50 शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। विश्व कप से पहले भारत ने श्रीलंका में एशिया कप जीता था। उस एशिया कप का 8वां खिताब था। ऋतुराज गायकवाड़ के नेतृत्व वाली टीम ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता, लेकिन जून में भारतीय टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा। साल 2024 में वेस्टइंडीज और अमेरिका T20 विश्व कप की मेजबानी करेंगे, जहां सभी की निगाहें युवा खिलाड़ियों पर होंगी। शतरंज में भारतीय प्रतिभा रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने अरबेजान के बाकू में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की ओर से आयोजित शतरंज विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई, लेकिन उन्हें उप विजेता के खिताब से ही संतोष करना पड़ा। दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने उन्हें टाई ब्रेकर में हरा दिया, लेकिन प्रज्ञानंद ने शानदार प्रदर्शन ने देश का ध्यान खींच लिया। इस टूर्नामेंट में 4 भारतीय भी क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत ने इस साल एशियाई खेलों का सम्मान रिकॉर्ड 107 पदकों के साथ किया। चीन के हांगजो में आयोजित इस टूर्नामेंट में भारत ने पदक तालिका में 4था स्थान बनाते हुए 28 स्वर्ण पदक जीते। इस प्रतियोगिता में भारत ने इतने स्वर्ण पहले कभी नहीं जीते। देश पे टकरा और वुशु जैसे कम मशहूर खेलों में भी पदक जीतने में कामयाब रहा। भारत के पैरा एथलीट्स भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने हांगजो एशिया पैरा खेलों में 111 पदक जीते। इतने पदकों के साथ भारत पदक तालिका में 5वें स्थान पर रहा। इसके अलावा फुटबॉल टीम ने
SAFF चैंपियनशिप जीता, जो हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियनशिप जीती। वहीं रोहन बोपन्ना ATP मास्टर जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए। भारतीय पुरुष और महिला खिलाड़ियों की असली परीक्षा 2024 में होगी, जब अगस्त सितंबर में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की मेजबानी पेरिस करेगा। वहीं भारतीय खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की उम्मीद कर रहे होंगे, और हमें यही उम्मीद है जैसा हमारा 2023 बीता वैसे ही साल 2024 हमारे लिए खेल के क्षेत्र में बेहतर साबित होगा।